Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are going to resume our lecture. This is a lecture 2 and the topic was going on subject verb agreement. कि किस तरह से subject verb agreement से error हो सकते हैं. और हम मैंने आपको पहले भी कहा था कि error detections को हम topic wise पढ़ेंगे और last में एक combined test भी लेंगे सबसे. topic wise तो होगी लेकिन टॉपिक वाइज के अलावा भी एक कंबाइंड टेस्ट लेंगे हम. सो दिस 11 नीदर ऑफ द गर्ल्स आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन. यहाँ पर कौन सा एरर है? एक तो होता नीदर नॉर, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीदर नॉर ईदर और जब भी आप ये देखेंगे जो नॉर या और के बाद वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल. पर यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन अलग है. इसको कहते हैं नीदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ देम. ये जो वर्ड्स हैं तो आप ऑफ से पहले देखेंगे, ठीक है, ऑफ से पहले देखेंगे. नीदर आएगा जब भी तो इसके साथ वर्ब हम बजाय प्लूरल के सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे फिर यहाँ पर नाउन प्लूरल ही क्यों ना हो, हम इसे देखकर इस्तेमाल करेंगे. नीदर के मुताबिक यहाँ पर इज आएगा हेल्पिंग वर्ब. ऑल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय द वर्कर्स. यहाँ भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. ऑल द वर्क्स हैज, अगर ऐसा होता ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल के बाद दैट आ जाता है और फिर आ जाता है ऑल दैट ग्लिटर्स, इस तरह से दैट आ जाता है. फिर वो नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. लेकिन यहाँ पर ऑल द वर्क, यहाँ जो भी नाउन हो आप उसको नहीं देखेंगे बल्कि ऑल द वर्क एक इसको जो है सिंपली आप देखेंगे. ऑल द वर्क, यहाँ पर ऑल द वर्क एक होल इंटायर चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो आप सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे. दूसरा है आई एम रिप्लेसिंग माई फर्नीचर एज इट हैज बिकम ओल्ड. आई एम रिप्लेसिंग माई फर्नीचर एज इट हैज़ बिकम ओल्ड. यहाँ पर कोई एरर आपको नज़र आ रहा है? आई एम रिप्लेसिंग माई फर्नीचर, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. एज़ इट हैज़ बिकम ओल्ड, इट के बाद हैज़ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है और बिकम थर्ड फॉर्म है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म बिकम बिकेम, बिकम ही थर्ड फॉर्म होती है, ये बिल्कुल ठीक है. सो देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस, नो एरर, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट. नाउ नंबर 14, द रिपोर्ट्स ऑफ his homecoming was brought by his friends. One of the factors responsible for poverty are
अनएम्प्लॉयमेंट. Everyone is eager to show their talent. Physics are opted by most of the students wishing to pursue their career in astronomy. So the reports of his homecoming was brought by his friend. तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑफ से पहले नाउन प्लूरल है तो वर्ब हमारा क्या होगा यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए वास का प्लूरल वर होगा. वन ऑफ द फैक्टर्स वन यहाँ पर आ रहा है इसका मकसद यह है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो और के बजाय इज होगा. एवरीवन इज ईगर टू शो दियर टैलेंट. तो यहाँ पर यह तो बात कंफर्म है कि ये एवरीवन है यहाँ पर और तो यहाँ दियर होगा ही नहीं तो दियर के बजाय यहाँ पर क्या आ सकता है वंस टैलेंट या कुछ और. तो यहाँ पर वंस टैलेंट भी नहीं बल्कि हिज टैलेंट आएगा. पीपल आर मिस्टेकनली समझ लेते हैं कि एवरीवन का जो पॉजिटिव केस होगा वो वंस होगा लेकिन ऐसा नहीं है. वंस भी यहाँ पर गलत है दियर भी यहाँ पर गलत है. एवरीवन का पॉजिटिव केस जो है वो हिज या हर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. फिजिक्स आर ऑप्टेड by most of the students wishing to pursue their career in astronomy. Physics is a subject which is considered as a singular subject, so it will be there is an error. This one is an error. The correct answer will be is. ये singular ही consider किया जाएगा इसे. The members of the committee is not going accept his proposal. Of से पहले plural है so what will be are. The collection of religious books were very large. 21. Ram along with
his friends. Are going on a long drive. The ashes of Nehru was submerged in the Ganga. जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऑफ से पहले अगर देखेंगे तो ये सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा एंड द वर्ब विल आल्सो सिंगुलर इट देयर विल बी वाज राम अलॉन्ग विद हिज. हमने पढ़ा था कि अलॉन्ग विद एज वेल एज इन एडिशन टू इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग विद विद इनके साथ जब भी ये किसी दो नाउंस के दो ऐसे कह लें कि सब्जेक्ट्स के दरमियान आएगी तो हम पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे यानी पहले वाले नाउन को देखेंगे. अगर वो सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वह भी प्लूरल. तो यहाँ पर एरर ये रहा इस जगह पर. सो वर्ब इज प्लूरल है सिंगुलर. द एशिज ऑफ नेहरू वाज सबमर्ज इन द गंगा. तो ऑफ से पहले ये प्लूरल है और यहाँ पर क्या होगा वर्ब. कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, वो प्लूरल ही होते हैं और उन्हें प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है. जैसे कि एशेस अस्थियां, गुड्स रिमेन्स, क्रीडेंशियल्स, प्रीमिसेस. These now always take plural verb और इनका कोई singular नहीं है. कुछ चीज़ें होती हैं जिनका singular नहीं होता. अगर उनको आप plural form में लेके जाएंगे तो वो अपनी meaning से हट जाएंगे. जैसे goods यहाँ पर noun है और इसका plural ही form होता है. अगर आप एस को ओमिट करेंगे यहाँ से सो ये एडजेक्टिव हो जाएगा नाउन से हट के और अपनी मीनिंग भी तब्दील कर लेगा. नाउ 23 द लेंथ ऑफ रेलवे रेलवे ट्रैक्स आर enormous in India. The length of railway are enormous in India. 24 Are there any news about your lost child? The length is a singular and the verb will be singular is are there any news. News is a singular so verb will be singular. Is there any news will be suitable for that. Yahan par is jo hai wo suitable helping verb है हमारा. Twenty-five. Most of the buildings
इन द सिटी इज वेरी वेल प्लान्ड. मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द सिटी इज वेरी वेल प्लान्ड. The clerk and accountant are absent today. Most of the buildings off से most of जब भी आप देखेंगे most of the building तो off से पहले नहीं बल्कि ऑफ के बाद बिल्डिंग्स जो कि हमारे प्लूरल है जैसे कि हमने पढ़ा था वन हाफ हाफ अ पार्ट हाफ टू थर्ड्स हाफ तो उनमें जो है हम इन फ्रेजेस के बाद वाले जो नाउन आ रहे थे उनको देख रहे थे आया कि वो सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर होगा अगर वो प्लूरल हैं तो वर्ब प्लूरल होगा तो यहाँ पर यह भी उन्हीं की तरह है मोस्ट ऑफ सो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स ये प्लूरल हैं तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल होगा यानी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द सिटी आर वेरी वेल प्लान्ड द क्लर्क एंड अकाउंटेंट आर एब्सेंट टुडे यहाँ पर तो दो नाउन हैं जो कैंट से जुड़े हैं तो यहाँ पर तो वो प्लूरल होना चाहिए यहाँ पर प्लूरल है कैसा लगता है आपको प्लूरल होना चाहिए नहीं आर्टिकल का भी ख्याल रखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ अगर हमें दो नाउन्स मिले हुए हैं और उनमें से किसी एक के साथ आर्टिकल है डिटरमाइनर है सो वर्ब जो है वो प्लूरल के बजाय सिंगुलर आएगा अगर ये सेंटेंस ऐसे होता द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट द अकाउंटेंट तो यहाँ पर आर सही होता सही है द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट जबकि हम ये कह रहे हैं द क्लर्क एंड अकाउंटेंट इसका मकसद ये है कि ये एक ही शख्स है वन पर्सन जो कि दोनों काम सर अंजाम दे रहा है अगर हम कहते हैं द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट तो ये दो अलग अलग शख्स हैं और अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब प्लूरल सूटेबल रहेगा थैंक्स आज के लिए इतना ही आगे हमारे एरर्स जारी रहेंगे एरर के हवाले से अगले कुछ टॉपिक्स हैं हमारे उनके बारे में पढ़ के आइएगा जैसा कि एडजेक्टिव्स रिलेटिव्स प्रोनाउन एडवर्ब्स वगैरह थैंक यू वेरी मच